Assalamualaikum. Welcome to PK Travel Guide. आज आप इंट्रो देख के तो पहचान ही चुके होंगे कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं लाहौर की बहुत ही फेमस मुकाम पे। ये लाहौर का जू है जो कि 1872 में बना था, और मैं आपको सारी मालूम देती जाऊंगी। ये टिकट्स के रेट्स हैं जो कि आपको देनी पड़ते हैं। यहाँ हम एंटर हो रहे हैं लाहौर जू में। ये है यहाँ का मैप जिससे आप मुकम्मल तौर पर गाइडेंस ले सकते हैं। ये आपको मैं आगे का दिखाती हूँ। आज मैं चिड़ियाघर के आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे हकाइक बताऊँगी जो कि आप नहीं जानते। ये जो आप शहर देख रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग आके अपनी तस्वीर वगैरह खिंचवाते हैं, यहाँ बहुत रश होता है। ये जो दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा कदीमी ही दरख्त है। ये बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने में शजरकारी की मुहिम में लगवाया गया था। ये है बरगद का दरख्त और इसने बहुत ही ज़्यादा नस्लों के अरूज ज़वाल देखे हैं। चिड़ियाघर में एंटर होते ही आपको बहुत बड़ा पिंजरा नज़र आएगा बंदरों का। बंदरों का जो बंदरगाह है वो है 13,000 मुरबा स्क्वायर फिट पर मुहित है रकबा, और ये 2012 में तामीर किया गया था। इसमें चार पिंजरे हैं। इसमें जो बंदरों के नाम हैं, जैतूनी रंग वाला बंदर, कैपोचिन बंदर होता है, और वर्वट बंदर और काला सफ़ेद बंदर जो है इन पिंजरों में पाया जाता है। चिड़ियाघर की शान थी सूजी। 2017 के बाद, इसके मरने के बाद, यहाँ पे चिड़ियाघर के लाहौर के जू में कोई हाथी नहीं आया। इसका जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि इसकी खिदमात को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि बच्चे इस पे बैठ के, हम भी जब छोटे थे इस पे बैठ के सवारी किया करते थे, और इसने 2008 के जलजले में भी बहुत ज़्यादा फंडिंग इकट्ठा की, जो कि अपनी ये सूंड में पकड़ के अपने मालिक को ये दिया करती थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा फंड इकट्ठा किया गया। सूजी के मरने के बाद आप देख सकते हैं कि एक म्यूज़िक वाला हाथी ला के खड़ा कर दिया गया। इस हाथी में म्यूज़िक लगा हुआ होता है और बच्चे आके एंजॉय करते हैं इसी पर ही। इसमें चार तकरीबन बच्चे बैठ सकते हैं, और इसकी टिकट 50 रुपये फी बंदा होती है। और आगे आपको दिखाती चलूँ, ये ममेलियन हाउस है जहाँ पर ये बड़े ममेलिया जानवर पाए जाते हैं। बिग मैमल्स हाउस जो है, आपको मैं बताती चलूँ कि 1972 में इसका क़याम किया गया था। यहाँ पे तीन बड़े कमरे हैं, और यहाँ पे जो बड़े बड़े ममेलिया जानवर हैं उनको रखा गया। ये सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है तीन जो जानवर थे वो रखे गए थे, जिनमें से दो जानवर जो हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। हाथी का आपको मैं बता चुकी हूँ कि हाथी अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। दरियाई घोड़ा भी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया था, और सफ़ेद गेंडा जो है वो मैं उसको आपको सारा दिखाती हूँ आपको वीडियो में। सफ़ेद गेंडा अफ्रीका की चरागाहों में रहता है, और इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। ये तकरीबन 1800 से लेके 2700 किलो तक का होता है, और 40 से 50 साल इसकी उम्र होती है। अब आते हैं हम शेर घर की तरफ। शेर घर का भी क़याम 1872 में हुआ था, और इसकी जो है आराइश वगैरह जो कह सकते हैं वो हुई थी 2012 में। और ये जो आपको शेर यहाँ पे पाए जाते हैं, और जो टाइगर्स पाए जाते हैं, ये अफ्रीका और एशिया के मुख्तलिफ खित्तों से लाए गए हैं। ये धारीदार टाइगर का पिंजरा है। ये धारीदार टाइगर जो हैं बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, भूटान में पाए जाते हैं, और इनकी उम्र बहुत कम होती है। ये 10 से 20 साल जिंदा रहते हैं। आगे जो आपको पिंजरा में दिखा रही हूँ, ये अफ्रीकी बबर शेर का पिंजरा है। ये ज़्यादातर सहराई इलाकों में पाए जाते हैं, और अभी जो दिखा रही हूँ ये फीमेल है और सो रहा था। ये अफ्रीकी सफ़ेद शेर का पिंजरा है। इसने हमें बहुत ज़्यादा करतब करके दिखाए। एकदम से ये उछल के हमारी तरफ लपका भी, और फिर उसके बाद ये इधर से उधर फिर रहा था। हमें समझ नहीं आई कि इसको हो क्या रहा है। कुछ देर के बाद थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ कि ये तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हुआ है।
इसने क्या किया कि थोड़ी देर के बाद इसने अपने ऊपर पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं कि बेचारा गर्मी में कितना परेशान है और मुस्तकिल अपने ऊपर पानी का छिड़काव कर रहा है। जिस तरह से इंसान गर्मी से परेशान है, उस तरह से ये जानवर भी बहुत परेशान है। आगे हमने यहाँ पे एक कुछ अजीब सी चीज़ देखी जो कि ना लोमड़ी थी ना ही कोई गुलहरी थी, पता नहीं क्या चीज़ थी। इसके ऊपर नाम इसका नहीं लिखा हुआ था पिंजरे पे, लेकिन मैंने कहा चले आपको मैं दिखा दूँ ये क्या चीज़ है। अगला जो था वो भेड़िए का पिंजरा था। आपको दिखाती चलूँ कि भेड़िया, यहाँ पे आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन दिखा रही हूँ कि जनूबी एशिया में पाया जाता है और बरसगीर हिंद में भी पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये भेड़िया है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं कि जो बहुत तेज़ी से घूम फिर रही है और पता नहीं क्या सोच रही है, ये जो है लोमड़ी साहिबा हैं। ये इधर से उधर फिर रही हैं और कुछ सोच रही हैं कि अगली प्लानिंग हमने क्या करनी है। कोई मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी सियासतदान हैं उन्होंने लोमड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है नील गाय और यहाँ पे इस वक्त ये दोपहर का टाइम है और ये अपना लंच कर रही हैं। ये है चीतल और स्पॉटेड डियर। ये जो है आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मासूम लगते हैं। इन पे स्पॉट्स होते हैं। ये वाली अनवा के जो हिरन है ये भी इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। लाल हिरन जो होते हैं इनके सींग काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और मैंने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी वहाँ पे कि एक साल के बाद जो होता है इनके जो हिरन जो हैं इनके मेल्स के सींग झड़ जाते हैं और नए सींग आ जाते हैं। ये जो है आपको मैं दिखाए थे स्पॉटेड हिरन। अब ये जो वाले हिरन हैं ये डिफरेंट किस्म के हिरन हैं। इनका नाम है फेलो हिरन। ये जो मैं एरिया आपको दिखा रही हूँ ये मुझे चिड़ियाघर का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा लगता है। यहाँ पे सारा एरिया जो है पिलर्स लगे हुए हैं और हर पिलर जो है वो जो डिज़ाइंस होते हैं जानवरों की खाल के वो बने हुए हैं। ज़ेब्रा का, टाइगर का, हिरन का, ये सारे आपको डिज़ाइंस नज़र आएंगे। रीच घर मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि 17,800 स्क्वायर फीट पे मुहित है। यहाँ पे दो किस्म के रीछ मैं आपको दिखाऊंगी, एक ब्राउन रीछ है और एक काला रीछ है। जंगलात के खात्मे की वजह से और इनके बच्चों के पकड़े जाने की वजह से इनकी नस्ल कुशी होती जा रही है और ये बहुत ही कम रह गए हैं। ये ज़्यादातर जापान में और बरसगीर हिंद के मुख्तलिफ शुमाली हिस्सों में और मशरक़ी चीन में पाए जाते हैं। मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले दिखा चुकी हूँ यहाँ पे ब्राउन रीछ। अब ये जो है काला रीछ था जो कि अपनी ज़रा सी झलक दिखा के फिर गायब हो गया। चिड़ियाघर में एक नीचे जो सारा शेर घर बना हुआ है उसके बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके भी ये शेर घर बना हुआ है। यहाँ पे भी बब्बर शेर और मुख्तलिफ तरह के जो बंगाल के शेर होते हैं, धारीदार शेर होते हैं, वो यहाँ पे 3 से 4 पिंजरे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके तमाम पिंजरे दिखाती जाऊँगी। ये जो आप देख रहे हैं ये धारीदार टाइगर है। ये भी बांग्लादेश, इंडिया, भोपाल, नेपाल इन सब जगहों पे पाया जाता है और गोश्त जो है वो इसकी मरगूब गिज़ा है। आगे मैं आपको दिखाती चलूँ ये है बब्बर शेर जो कि इस वक्त खा पी के जो है वो आराम कर रहे थे और यहाँ पे मैंने देखने की कोशिश की कि ये कहीं पे इसकी कोई वीडियो क्लिप बना सकूँ इसमें जाग रहा हो, लेकिन ये सोए पड़े थे। तो जैसे जैसे मुझे जहाँ पे जो जानवर नज़र आया मैं उसकी वीडियो बनाती गई हूँ।
आप देख रहे हैं कि ये आराम कर रहे हैं, इस वक्त इनका आराम का टाइम है। चिड़ियाघर में रेप्टाइल्स का भी एक घर बना हुआ है जिसमें सारे स्नेक्स हैं, वहाँ हम नहीं गए थे, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये है ज़राफ़ा, और जो कि बहुत ही मासूम, लंबा और बहुत ही भोला भाला सा जानवर लगता है। मुझे भी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा जानवर मेरी वीडियो में सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप मेरी इतनी मेहनत को सराहने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने शुतुरमुर्ग को शूट किया, यहाँ पे बेचारा वो भी परेशान था, गर्मी से मुंह खुले हुए थे और गर्मी में बेचारे बहुत ही बुरे हालात में थे, और ये देख रहे हैं आँखें बंद करके मुँह खोल के हाँप रहा था। तो ये मैंने इसकी सारी ऊपर से नीचे तक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैंने इसका सारा शूट किया है। और यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ, ये ज़ेब्रा है जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि जो कि बिल्कुल गधे की मानिंद लगता है, जैसे इसने कोई ट्रैक सूट पहना हुआ हो। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम कर रही हूँ, मैं इसके बाद एक और पार्ट लेके आऊँगी चिड़ियाघर का ही, जो कि चीज़ें रह गई हैं उनको कवर करूँगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।